मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू फिफ्थ क्लास। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का 18 चैप्टर पढ़ेंगे। 18 चैप्टर इज डिटरमाइनर। डिटरमाइनर्स मीन्स निर्धारक, यानी निर्धारक शब्द। तो आइए देखते हैं निर्धारक शब्द कौन से होते हैं और क्या होते हैं। डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स विच क्वालिफाई द नाउन्स दैट फॉलो देम। दे डू नॉट डिस्क्राइब अ नाउन, दे डिटरमाइन इट। डिटरमाइन ऐसे शब्द होते हैं जो उन संख्याओं को क्वालिफाई अर्थात दर्शाते हैं जो उनका अनुसरण या फॉलो करते हैं। ये संख्या को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, केवल निर्धारित करते हैं। जैसे यहाँ पर द बेस्ट बॉय, माई ब्रदर, एवरी स्टूडेंट्स, दैट ट्री, सम मिस्टेक्स, ऑल पीपल। तो इसमें बेस्ट बॉय नाउन है तो इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, तो द, ये आपका डिटरमाइनर है। माई ब्रदर, मेरा भाई, तो यहाँ पर भाई को कौन क्वालिफाई कर रहा है, माई, तो ये हो गया डिटरमाइनर्स। इसी तरीके से एवरी स्टूडेंट्स, इसमें एवरी डिटरमाइनर है। दैट ट्री, इसमें दैट डिटरमाइनर है। सम मिस्टेक, इसमें सम डिटरमाइनर है। और ऑल पीपल, इसमें ऑल डिटरमाइनर्स है। नेक्स्ट है, ये याद रखने वाली बात है कि द आर्टिकल ए एन और द आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिटरमाइनर। जो आर्टिकल हमारे ए एन और द होते हैं वो भी एक डिटरमाइनर के प्रकार होते हैं। सम ऑफ नाउन्स यूज्ड विद डिटरमाइनर्स कैन बी द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वी कैन काउंट, दे आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। कुछ नाउन जो डिटरमाइनर्स के साथ यूज़ किए जाते हैं वो ऑब्जेक्ट के नाम हो सकते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। इसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है, जैसे अ पेंसिल, एन ऑरेंज, अ ब्रदर। नेक्स्ट है, सम नाउन्स आर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स दैट वी कैन नॉट काउंट। कुछ नाउन्स मटेरियल के नाम होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे नाउन क्या कहलाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, जैसे मिल्क, शुगर, सैंड एक्सेट्रा। वर्ड्स लाइक सम, एनी, मच एंड मैनी आर डिटरमाइनर्स। सम, एनी, मच, मैनी, ऐसे शब्द ये भी डिटरमाइनर्स कहलाते हैं। सम इज़ यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जो सम का यूज़ होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों में होता है। जैसे सम स्टूडेंट्स इन द क्लास आर ब्रिलियंट, इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो काउंटेबल हैं, तो यहाँ पर हम सम का यूज़ कर सकते हैं। कैन आई हैव सम वाटर प्लीज़, तो इसमें वाटर जो है अनकाउंटेबल है, यहाँ पर हम सम का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एनी इज़ यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। एनी का यूज़ भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों में हो सकता है। इट इज़ यूजली यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। एनी का यूज़ अधिकतर किस में होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, यानी नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य में। जैसे Did you see any book on the table? क्या तुमने कोई भी किताब टेबल पर देखी, तो इसमें बुक जो है वो काउंटेबल है। I did not give him any advice, इसमें एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। और इसमें ये देखिए, ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है और नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है। नेक्स्ट है, एनी इज़ ऑल्सो यूज फॉर एम्फेसिस इज इन अफर्मेटिव। एनी का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में एम्फेसिस के लिए किया जाता है। शी विल पे एनी प्राइस फॉर इट, वह इसके लिए कोई भी प्राइस पे। नेक्स्ट है, मैनी डिनोट्स अ गुड नंबर। मैनी जो है वो अच्छे नंबर्स के को डिनोट करने के लिए किया जाता है। वाइल मच डिनोट्स अ गुड क्वांटिटी, और मच का यूज़ किया जाता है अच्छी ऑन अ क्वांटिटी के लिए। तो जैसे मैनी स्टूडेंट्स वर एबसेंट यस्टरडे, तो यहाँ मैनी स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स काउंटेबल हैं। नेक्स्ट है, देयर इज़ टू मच नॉइज़ इन द क्लास, क्लास में बहुत शोर है, तो नॉइज़ जो है वो अनकाउंटेबल है। तो इस तरीके से अब डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज बुक और कॉपी पर करेंगे। तो बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सम और एनी। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं सम और एनी का यूज़ करके। तो जिस तरीके से मैंने ये एक्सरसाइज भरी है, ऐसे ही आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक में और कॉपी में फिल करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद मच और मैनी। तो यहाँ पर आप मच और मैनी को फिल करके
जिस तरीके से मैंने ये एक्सरसाइज की है वैसे ही आपको ये एक्सरसाइज अपनी बुक और कॉपी पर करनी है। तो इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज ए और बी दोनों कॉपी पर नीट एंड क्लीन करनी है जैसे मैंने की है। इस तरीके से आपका 18 चैप्टर कंप्लीट होता है।